मेरा टेंसर तो मुझे जल्द मिलेगा। और वैसे भी बीरबा से सिर्फ उन्हें हमारे प्लान के बारे में इंफॉर्मेशन मिली है, हमारी आइडेंटिटी की नहीं। अब तो गेम और इंटरेस्टिंग हो गया है, क्योंकि कल नवमी है और नवमी के दिन मिलेगी मुझे नवे बच्चे की सोल, यानी सूतले की सोल। लेकिन रे, भारत नगर में बालवीर का सख्त पहरा होगा, तो फिर तुम उस बच्ची को फिर से उस काले गोले पर कैसे लेके आओगे? इस बार सूतली ब्लैक सर्कल के पास नहीं, बल्कि ब्लैक सर्कल सूतले के पास जाएगा। अब हमें सिर्फ मेक श्योर करना है कि सूतली पूरी काले और उसके बाद पूरी तरह मतलब पूरी तरह तुम रावण बन जाओगे। यस, अब तब मुझे मिलेगा मेरा लास्ट हेड, मेरा टेंथ हेड। नवरात्रि में सब कुछ अच्छे से हो रहा है ना? और ये बात नौमी के दिन सबके चेहरों को देख के पता चल रही है। खुशी तो होगी ही ना, नौ कन्याओं का पूजन जो होगा, ऊपर से सबको हलवा पूरी भी खाने को मिलेगी। आप सभी कितनी मेहनत कर रही हैं, हम आपकी मदद करें? अरे तुम लोग हमारी क्या मदद करोगे? खाना बनाने में। ये वस्त्र अदृश्य है और ये बच्चों की बुराई पे भी नियंत्रण रखेगा, इन्हें अच्छे बच्चों की तरह रखेगा। वाह, वीर वस्त्रा ने तो रियली अच्छा बच्चा बना दिया छोटे को। और पता है, मैं तो 90 सेकंड्स में 360 डिग्री की तीन पुगड़ियां बना सकता हूँ। रिंकू, तुम भी ना। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम लोग अपनी मम्मी की हेल्प करना चाहते हो। लेकिन अगर तुम लोग सच में हेल्प करना चाहते हो तो सबसे बड़ी हेल्प यही होगी कि कोई हेल्प ना करो। इसलिए जाओ अभी जाकर खेलो और खाना तैयार हो जाए तब खाना खाने आ जाना। ओके ओके देवो भैया, चलो चल। इस वीर वस्त्र की वजह से सारी किड्स कोड बन जाएंगे और मेरे लिए प्रॉब्लम खड़ी कर देंगे। इसमें तुम्हें क्या तकलीफ होगी विवा? भैया, वीर वस्त्र की मदद से सारे बच्चे अच्छे बन जाएंगे, तो एक अकेला मैं ही तो सबको बदमाश दिखूंगा। ये तो सिर्फ दो दिन की बात है विवा, हमें इन दो दिनों में बहुत काम करना है, क्योंकि तब तक वीर वस्त्र का असर खत्म हो जाएगा। काम तो करना है हमें भी और उन्हें भी, इसलिए वो लोग सुतली को वापस लेने जरूर आएंगे। सो तब तक हम सुतली को या तो छुपा देते हैं या तो उसे डिसअपीयर कर देते हैं। नहीं विवा, अगर हमें सभी बच्चों की अच्छी आत्मा वापस चाहिए तो नौ कन्याओं की पूजा में हमें सुतली को बिठाना ही पड़ेगा। हाय गाइस, ये सुतली के बारे में क्या बातें हो रही थी? वही कि सुतली को हम कन्या पूजा में बिठाए कि नहीं। तुम बैठोगी? तुम्हें मैं बच्ची लगती हूँ? अब बातें तो हमेशा छोटे बच्चों जैसी करती हो। क्यों? मेरी गलती है, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी चाहिए थी। अब मेरा चेहरा ही ऐसा है, उसे देखकर बात करने की इच्छा सी हो जाती है। लेकिन तुम्हारा चेहरा ऐसा है कि ओ हेलो हेलो, मेरे चेहरे के बारे में कुछ मत बोलना। ओके, अब मैं तो ये कह रहा था कि तुम्हारा चेहरा बहुत अच्छा है, अब धूप में निकलो तो सनस्क्रीन लगा के निकला करो। और मैं ये कह रही थी कि अगर तुम बाहर निकलो तो अपने मुंह पे टेप लगा के निकला करो। बाय विवान। वैसे भैया, अगर हम सुतली को विलन्स के सामने ला रहे हैं तो हमें भारत निगर की सिक्योरिटी भी एकदम टाइट रखनी होगी, ताकि शिंगाई के विलन सुतली तक पहुंच ना पाए। नहीं विवान, अगर हमें हमारे दुश्मनों की असली पहचान पता करनी है तो उन्हें भारत नगर के अंदर आने देना ही होगा। लेकिन चिंता मत करो, भारत नगर और सुतली की सुरक्षा का पूरा इंतजाम होगा, पर किसी को दिखेगा नहीं। ओ हेलो, मैं बोल रही हूँ ना, मुझे पता है तुम दोनों पक्का कोई सीरियस बात डिस्कस कर रहे हो, राइट? लेफ्ट, आगे से लेफ्ट जाओ, वहां पे प्रसाद बन रहा है, वहां तुम्हारी हेल्प चाहिए, जाओ। तुमसे वैसे भी कोई बात नहीं कर रहा है डब्बू। विवान, तुम मुझे बताओ क्या सीरियस बात कर रहे हो तुम लोग? मैं
कुछ नहीं, वो तो बस हम पूजा में गंगा जल यूज करने की बातें कर रहे हैं, और क्या। हाँ अरण्या को भेजना पड़ेगा यहाँ से, वरना मैं मेरी योजना के बारे में विवान से बात नहीं कर पाऊंगा। अभी जादू से देवकी जी की आवाज निकालता हूँ। अनन्या जल्दी घर आओ, बहुत जरूरी काम है। हाँ हाँ आंटी आई आई, जाओ जाओ जाओ। भैया अब मोस्ट इम्पोर्टेंट काम ये है कि शिंकाए जाकर उन मैजिकल बलून्स को कौन लाएगा, और यहाँ पर रहकर सुतली और कन्या पूजा की रक्षा कौन करेगा। भैया आप हमेशा मुझे छोटा बच्चा करते रहते हो और कहते हो कि मुझे हमेशा छोटा ही काम करना चाहिए, बट दिस टाइम तो दोनों ही काम बड़े हैं, सो अब दोनों काम बड़े तो हैं और दोनों में अकेले तो कर नहीं सकता। राइट तो मैं सोच रहा हूँ अपना एक हम शक्ल बना लूं। हाँ मॉम ने तो कहा उन्होंने मुझे नहीं बुलाया, लेकिन मॉम की आवाज तो आई थी। जरूर विवान ने कोई मैजिक करके मुझे वहां से भेजा होगा, लेकिन वो ऐसा क्यों करेगा? पक्का ये दोनों मुझसे कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। मैं विवान का पीछा करके ही रहूंगी। अब ये जो है वो शिंका ही जाएगा और मैं यहाँ पर रहकर सुतली और कन्या पूजन की रक्षा करूंगा। रियली भैया वाओ, ठीक है आप ही कर लीजिए ना सब कुछ, मैं जाकर उधर पूरियां बेचता हूँ, किसी के तो काम आ जाऊंगा मैं। अरे अरे विवान मैं तो मजाक कर रहा था, हम दोनों बालवीर हैं इसलिए हम दोनों एक एक काम करेंगे। एक शिंकाई के दुश्मनों को फंसाएगा और एक यहाँ पर रहकर उनसे भारत नगर की रक्षा करेगा। यानी कि मैं शिंकाई जाऊंगा और आप यही रहोगे। हाँ और हर बार की तरह इस बार भी विजयादशमी के दिन अच्छाई की जीत होगी। बालपरी की दी हुई इस बिल की मदद से मुझे पानी के अंदर भी सांस लेने में हेल्प मिलेगी। वाओ न्यू टॉफी, मैं खाके देखूं कैसी है। अरे दीदी ये टॉफी नहीं थी। तो फिर क्या था विवान, मैंने तो खा लिया, कुछ होगा तो नहीं मुझे? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा दीदी, बस ये तो माँ की बनाई हुई पावर पिल थी, प्रोटीन और न्यूट्रिशन से भरपूर, इससे आपकी बैटरी पूरे दिन चार्ज रहेगी और आप नव कन्या पूजा में सबकी हेल्प भी कर पाओगे। अच्छा हाँ पूजा से याद है, मैं वहीं पे तो जा रहा था। मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। अब चलिए मैं आता हूँ। ओके ओके थैंक गॉड फाइनली अनन्या दीदी वापस चली गई। अब मुझे पानी के रास्ते शिंकाई जाने के लिए एक मैजिकल पॉन्ड बनाना पड़ेगा। विवान पक्का मुझसे कुछ ना कुछ छुपा रहा है, लेकिन उसे नहीं पता कि अनन्या भी कितनी स्मार्ट है। अभी उसका पीछा करती हूँ। अब बस मुझे वो बलून ढूंढना है। अनन्या दीदी, दीदी, ओह गॉड विवान, विवान आई एम चोकिंग, मुझे बिल्कुल सांस नहीं आ रही है। विवान दीदी आप यहाँ कैसे आ गई? यहाँ कैसे आ गई इस बात में पूछा विवान, ये सोचा कि मैं बचूंगी कैसे? दीदी रिलैक्स रिलैक्स। कैसे कैसे रिलैक्स करूं विवान, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था कि तुम यहाँ आ रहे थे, मैं आ नहीं आती तुम्हारे पीछे। दीदी आप छुप कर आई हो, मैं आपको कैसे बताता? इसीलिए कहती हूँ विवान कि मुझे बता के आया करो, तुम जहाँ पे भी जा रहे हो मैं तुम्हारा पीछा ही नहीं करूंगी ना, अब मैं क्या करूँ मुझे बिल्कुल सांस नहीं आ रही है। दीदी काम डाउन काम डाउन, आप ऑलरेडी सांस ले रहे हो। राय Thank you.
मैं तो सांस नहीं पा रही हूँ। लगता है दीदी को मैजिक चॉकलेट के बारे में बताना ही पड़ेगा। लेकिन ये कैसे हुआ? दीदी आप जैसे थी ना वैसे ही है, और आपने जो मेरे हाथ से टॉफी लेकर खाई थी ना वो एक्चुअली एक बिल थी, और उसी की मदद से आप पानी के अंदर भी सांस ले पा रहे हो। पर दीदी आप मेरे पीछे यहाँ आए क्यों? वो क्या है ना भगवान, कुछ दिन पहले तुम गोले में बंद हो गए थे, और डब्बू तो डब्बू है, उसके भरोसे तो ना छोड़ सकती थी तुम्हें, इसीलिए मैंने सोचा कि तुम्हें सीक्रेटली फॉलो करूं और आके तुम्हें प्रोटेक्ट कर लूं। ओके वाओ, कितनी ब्यूटीफुल प्लेस है ना ये। लेकिन विवान तुम यहाँ पे क्यों आए हो? पंडित जी सारी तैयारियां हो गई ना, तो बच्चों को बुला लो, कन्या पूजन प्रारंभ करेंगे। अरे छुट्टी बच्चों, चलो चलो आओ जल्दी। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ध्वनि परे वीर जल है, इस वीर जल से जो भी हर्त होएगा, और अगर वो बुरा इंसान होगा तो बर्फ की मूर्ति बन जाएगा। देवू भैया मैं आपकी कुछ हेल्प कर दूं? आप ये मुझे दे दीजिए, मैं सबके हाथ धुलवा दूंगी। अरे नहीं नहीं खुशी, मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है। अरे दे दीजिए आप। अरे खुशी मैं कर लूंगा खुशी। अरे देवू भैया ये क्या हो रहा है, मुझे इतनी ठंड क्यों लग रही है? खुशी खुशी बेटा देखो चिंता मत करो, तुम्हें ठंड इसलिए लग रही है क्योंकि तुम थक गई हो, है ना? देखो पूजा में तुम्हारा इंतजार हो रहा है, जाओ आराम से जाके पूजा में बैठ जाओ। हाँ ओके भैया। बेचारी खुशी से तो पता ही नहीं है कि वो एक बुरी बच्ची बन चुकी है। असल में हमारे वीर वस्त्र की वजह से वो अभी भी अच्छी बच्ची बनी हुई है, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। अब खुशी दीदी का ये बाल मुझे उस जगह ले जाएगा जहां उनका सोल उनको बारों में बंद है। उस तरफ दीदी। लेकिन विवान वो बाल तो बहुत दूर, क्या वहां तक जाएंगे कैसे? ऐसे ये क्या है विवान? दीदी ये हमें शिंकाई की सैर कराएगा। चलिए दीदी। ये है शिंकाई, कितनी ब्यूटीफुल प्लेस है ना शिंकाई। कौन है वो लोग जो इतनी सुंदर जगह पे रह के इतने इविल काम कर रहे हैं? है? कोई सुरक्षा नहीं की? ये बालू तुम्हें क्या बिन बुलाए बाराती समझता है, जो किसी को खड़ा नहीं किया तुम्हारे स्वागत के लिए? अरे हार नहीं दो चार बार कर देता तुम पर। Shut up, Regensa. And don't forget. वेलकम तो सूतली का होगा, वो भी शिंकाई में। हाँ यहाँ की सुरक्षा देखकर तो लग ही रहा है कि तुम बड़े आराम से सूतली को यहाँ से शिंकाई ले जा सकते हो। नो प्रेगनेंस, इस पालवीर के होते हुए कोई भी काम इजीली हो सकता है क्या?
सामने देखो। अरे वाह, लगता है स्वादिष्ट खाना बनने वाला है, इसलिए बाहर हाथ धोने जा रहे। Let's go. हैंड वॉश नहीं, तुम्हारा ब्रेन वॉश करने की जरूरत है। But I'll make sure, आज पाल भी रोको, सूतली साथ तो ना पड़े। अरे गिरबड़े जी, हाथ तो धो लीजिए। क्यों, आप हाथ आगे क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि आजकल हम हाथ कम गंदा करते हैं और धोते ज्यादा हैं। ये देखो, हाथ धो धो के मेरे हाथ की लकीरें मिट गई, देखो। लेकिन गिरबड़े जी, ये तो पूजा का जल है, हाथ आगे करिए। पूजा कौन? और पूजा का जल तुमने क्यों लिया? और उसको पूछा है कि नहीं? हा? पता ना, कानून के हाथ लंबे होते हैं, पता है, लेकिन ये तो भगवान की पूजा का जल है। अच्छा, ये दोनों बातें अलग है। ओके ओके, वाह वाह वाह, जय गंगे, धन्यवाद। कुछ तो है यहाँ पर जो सामने लेकिन नजर नहीं आ रहा। सामने? अरे आँख कमजोर होने की निशानी है, जांच करो लो अपनी आंखों की। Shut up, Brigand साहब, और मुझे समझने दो कि यहाँ पर हो क्या रहा है। अरे दे दीजिए आप। अरे खुशी, मैं कर लूंगा खुशी। अरे यही लाइन है माता के दर्शन की, चलो चलो लाइन में चलो। हाँ। चलो आगे। दीदी, आई कैन सेंस, हम ऑलमोस्ट उन बलून्स तक पहुंच चुके हैं। गॉड विवान, ये तो हमारे पास ही आ रही है। दीदी, दीदी संभल के, संभल के दीदी। दीदी आप ठीक तो हो ना? लाइन में आगे बढ़ो वरना खाना खत्म हो जाएगा। खाना तो मिलेगा प्रियंका, लेकिन आइस कोल्ड। आइस कोल्ड? ये तुम्हें कैसे पता चला? क्योंकि जितने बच्चे मेरे कंट्रोल में हैं, उनके साथ जो कुछ हो रहा है वो मुझे पता चला है। बालवीर जिस पानी से हैंड वॉश करवा रहा है, खुशी पर वो उसकी सिर्फ एक बूंद गिरने से वो आइस की तरह फ्रीज होने लग गई थी। मतलब ये है, चल हमारे ऊपर पड़ते हम भी बर्फ के बन जाएंगे। Yes, Brigenza. अरे ये हाथ धोने वाले थे, रोने वाली बात है, और ये सब कुछ तुम्हें पता होने के बावजूद तुम लाइन में खड़े हो। अरे चलो निकलो यहाँ से। अरे 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 रामू काका, किस बात से डर कर भाग रहे हैं? अब पकड़े जाने के फियर से ब्रो। पकड़े जाने के डर से? किस बात के पकड़े जाने का डर? ट्रुथ सामने आने का फियर ब्रो। ये जरूरी तो नहीं ना कि जो सामने होता है वही रियल हो। तो सामने क्या नहीं है और क्या रियल है, बताओ। बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरे हैंड्स तो वॉश करवा दो, या फिर मेरे रूल्स डिफरेंट है? नहीं, रूल्स तो सबके लिए सेम ही है। आओ।
ये लोगों के पाव पे कुल्हाड़ी गिरती है, ये बेवकूफ पाव कुल्हाड़ी पे मार रहा है। सुतली तो हाथ से चली जाएगी और साथ में ही आइसक्रीम बन जाएगा। कौन समझाएगा इसे? थैंक्स ब्रो, मेरे हैंड्स प्योर करवाने के लिए। अरे 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 रामू काका, हाथ धुलवाए बिना कहाँ जा रहे हैं? घर से धो के आया था। हाँ, फिर भी पूजा के पानी से धुलवाना तो पड़ेंगे। अरे आप कुछ कह रहे थे, वो कोई बात जो सामने दिखती नहीं, क्या क्या थी वो बात? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.